हेलो जी, सबको राम राम है। आज मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने आया हूँ अपने इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात से रूबरू कराने आया हूँ, एक बात के बारे में अवेयर करने आया हूँ कि जैसा हम लोगों ने अभी तक सुना था कि जो फ्रॉड हो रहा है, जो पैसे निकलते हैं अकाउंट से, वो कैसे निकालते थे कि हमारे को बता दिया गया है कि हमारी लॉटरी लग गई है, फलाना OTP आ रहा है या फलाने ऐप में वो करो, हमारी स्क्रीन मिरर करते थे। आजकल एक नया तरीका निकाला है इन सब लोगों ने, ये यूपी में नोएडा से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, गाजियाबाद से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने जितना पता करा है, मेरे साथ एक हफ्ते में ये दूसरी बार हुआ है। अब पहली बार ही मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मुझे लगा कोई जेनुअन आदमी होगा, लेकिन मुझे शक हुआ था क्योंकि कैश में डील कर रहा था वो। सेकेंड टाइम फिर मेरे पास कॉल आया, तो मैंने उससे पहले बातों बातों में ऑडियो उसकी रिकॉर्ड करी है। सेकेंड टाइम मेरी एक और बार रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन मैं वो डाल दे रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत गाली गलौच है। और उस बंदे ने कहा है कि जो तुम उखाड़ सकते हो मेरा उखाड़ लेना। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ना फंसो, आप लोग ना नुकसान में रहो। पहले आप इस ऑडियो को सुनो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही आदमी के साथ वर्क करे, ये सबके साथ वर्क कर रहा है। सर मेरे को कम से भी कम कितना केजी का बैग है सर? 25 KG में है क्या आपके पास? हाँ सर, 25-50 KG जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। हाँ मेरे को सर अपना ये 40-50 बैग लगेगा सर, 50 बैग। कब चाहिए सर ये? अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए किलो के आसपास आता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो मिल जाऊंगा सर। कब चाहिए आपको? हेलो हेलो। हाँ सर बोलो। मैं इधर से साइड आ रहा था, मैं असल में ना घर आ रखा था। अच्छा अच्छा कितना चाहिए सर? सर मेरे को 50 बैग लगेगा, 25 KG वाला। 50 बैग? 25 KG वाला 50 बैग लगेगा। अप्रोक्सीमेटली सर 150 रुपए किलो के आसपास होता है ये, भिजवा दूंगा। अच्छा 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 150 रुपए पर KG के हिसाब से होता है। हाँ जी हाँ जी। तो कोई बात नहीं है सर, कोई आर्मी के लिए जैसे डिस्काउंट वगैरह हो जाता है सर, वो हो सकता है? हाँ करवाएंगे सर। लगेगा आपको। अच्छा 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 आपके पास सर ये रेडी है या रेडी कराएंगे आप? रेडी मिलेगा सर आपको। अच्छा अच्छा रेडी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्हाट्सएप नंबर है सर जिससे कॉलिंग हो रहा है? हाँ सर व्हाट्सएप नंबर है मेरा। मैं आपके व्हाट्सएप पे सर हाय हेलो मैसेज भेज रहा हूँ। आप एक बार मेरे को सर सीविट का जो बैग है उसका एक बार फोटो वगैरह सेंड कर दो सर व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ मैं करवाता हूँ। मेरे को बताओ सर डिलीवरी कब चाहिए आपको? तो डिलीवरी सर कल करा देना सर। ठीक है सर मैं करा दूंगा। तो ये कहाँ भिजवानी है? आप दिल्ली से बात कर रहे हो ना सर? हाँ जी दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो सर दिल्ली में अपना CRPF कैंप पड़ता है धोले कुआ पे। हाँ हाँ धोला कुआ वाला जो है। हाँ धोले कुआ पे CRPF कैंप पे हमारा, तो उधर ही डिलीवरी आएगा, ठीक है? हाँ हाँ जी करवा दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, तो सर व्हाट्सएप नंबर है आपका ये? सर व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट कैसे करोगे सर? पेमेंट सर, पेमेंट मोड तो आर्मी का ये होता है सर, आपको जहाँ पर आपका गाड़ी अनलोड होगा हमारा जो कैंट है, तो उधर आपको कैश ही करा देंगे पेमेंट। अच्छा जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, मैं भिजवा दूंगा। मतलब आपको समझ आ गया ना, अगर आपको देखो 1000 किलो चाहिए 130 के हिसाब से, तो 13,000 रुपए का हो गया आइटम ऑलमोस्ट, है ना? तो मैं देखिए सर ये बोल रहा हूँ, ये जो 25 KG वाला बैग है, तो ये मेरे को सर 50 बैग लगेगा। 50 बैग तो फिर तो सर ये 1,30,000 रुपए का हो जाएगा सामान। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका 1,30,000 रुपए बनेगा वो आप अपना गाड़ी भिजवा देना, उधर जैसे गाड़ी अनलोड होने से पहले पहुंचेगा तो उधर आपको पेमेंट देंगे, उसके बाद आपका गाड़ी अनलोड होगा, ठीक है? हाँ हाँ मैं जानता हूँ सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप फौजी बोल रहे हो? हाँ 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 फौजी बात कर रहा है सर। कब से कर रहे हो ये काम? क्या काम? यही फ्रॉड बनाने वाला। अच्छा 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 फ्रॉड बनाने वाला। हाँ जी। आप कोई आर्मी ऑफिसर मुझसे फोन करेगा, 1,30,000 रुपए का सामान मंगवाएगा? सर इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ ना कि 1 मिनट में आपको अप्रूवल भी दे। आपको तो वो लगती है, बिना अप्रूवल तो आप लोग काम ही नहीं हो सकते थे। किसी और ऐसे आदमी को पागल बनाओ ना जो फील्ड में नया हो इस समय। भैया जी क्या करे, जब फील्ड में नया ही यही नंबर लिखते हैं ना उसपे। हाँ मैं मानता हूँ फील्ड में, देखो ऐसे आदमी को फंसाओ जो फंस जाए, ऐसे को मत फंसाओ जो नहीं फंस सकता। तुम सोचो तो फंसा लो, आर्मी ऑफिसर हैं, हम काम करते हैं यार, बैठे हैं हम यहाँ पे मार्केट में। नहीं भैया जी किसी और को फंसाओ, देखो मैं बताऊँ तुम्हारे को, किसी और को फंसाओ, हम फंसने वालों में नहीं है।
आर्मी ऑफिसर ऐसे आर्मी ऑफिसर ऐसे फोन नहीं करते, ठीक है। मेरे पास अभी दो दिन पहले भी बस यही फोन आया कि मशीन है भिजवा दो, ये कर दो। अब रोज ही आर्मी ऑफिसर कहाँ इतना सामान जा रहा सर, ऐसे सामान। लिसन सर, लिसन लिसन लिसन, देखिए सर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ सर कि हम फ्रॉड लोग हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ तो हम फ्रॉड हैं। एनी हाउ किसी का भी फोन आए तो आप ये बोल देना, आप माल मत देना उनको, ठीक है ना। कोई भी फौजी लोग का आर्मी से फोन आए तो बात जरूर सर, उनको कैश में आप 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करवा रहे हो, आप बहुत महान हो, हमें बेचना ही नहीं है सर सामान। ओके बाय। तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोगों ने इस ऑडियो को सुन लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहे हैं। मेरे को कैसे कैसे फोन आया, मेरे को फोन आता है कि सर हमारे को एक आइटम चाहिए जो सीवीड होता है, जो प्लांट्स के लिए यूज होता है। अब हमारा बिजनेस है प्लांट्स का, तो इसने फोन करके हमारे को बोला कि मेरे को एक आइटम चाहिए। मुझे शक था क्योंकि मेरे पास एक हफ्ते पहले ये बात सेम हो चुकी थी, मैंने इसके बारे में सुना भी था अपने एक फ्रेंड से। मैंने उससे पूछा मेरा कितना चाहिए, मैंने एक अमाउंट बताया जो जस्ट डबल था। उस जो चीज हमारी 50 रुपए की थी, मैंने उसको 100-150 का बताया। इसने एक मिनट में हाँ कर दी, जबकि जो भी कोई गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट उसमें सामान जाता है, उसके लिए हमारे को एक कोटेशन चाहिए होती है प्रॉपर। हमारे को एक प्रॉपर तरीके से सब कुछ सामान को बताना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रॉपर रेट देना पड़ता है, उसकी कार्टेज वगैरह सब बता के हम सामान को भिजवा सकते हैं। लेकिन उसने तुरंत हाँ करा कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में उसने बोला कि इंडियन आर्मी के लिए हमारे को क्या डिस्काउंट दोगे या फौजी डिस्काउंट क्या होगा। तो वो अपना पूरा विश्वास जमाते हैं कि हाँ वो कस्टमर हैं सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो इतना बड़ा सामान का ऑर्डर देते हैं कि आदमी सोचता है कि आज ही ऑर्डर मेरे को कंप्लीट करना है, क्योंकि कोविड के टाइम में सबका बिजनेस ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डाउन जा रखा है। अब हम सामान उसकी जगह भिजवाएंगे तो वो कहेगा कि नहीं जी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, हमारा मैनेजर नहीं है, कैश नहीं आ पाएगा, आप ऑनलाइन ले लो। वो कोऑर्डिनेट करते रहेंगे इन बिटवीन आपसे। सो वो कहेगा सर आपको पैसे हम ऑनलाइन दे देते हैं। ऑनलाइन के लिए वो आपको एक QR कोड सेंड करेगा। आपको अगर आपने वो QR कोड के अपने फ़ोन में स्कैन कर लिया, वो कहेगा सर इसको स्कैन कर लो, आपके पास पैसे आ जाएंगे, या कुछ भी आपको बहाना जो लगा सकता होगा वो उस टाइम पे। आप अगर उस QR कोड को स्कैन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो फ़ोन में, आपने अगर पेटीएम से कराया तो उसके पास पेटीएम का एक्सेस पहुंच जाएगा, अगर आपने अपने गूगल पे से कराया तो उसके पास गूगल पे का एक्सेस पहुंच जाएगा। वो उस एक्सेस के थ्रू आपके बैंक से पैसे निकालता रहेगा धीरे 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 धीरे, और इस प्रोसेस में जब तक आप उसमें पुलिस पे जाओगे या कहीं पे भी कंप्लेंट करोगे तब तक वो आपके बैंक को खाली कर चुके होंगे। और दूसरा तरीका ये है, या वो आपकी स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है हैकिंग के थ्रू कि स्क्रीन मिरर हो जाती है। मेरा जब पहला शक गया था तो इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया था यहाँ का दिल्ली कैंट धोला कुआ के पास का, फर्स्ट टाइम सामान मंगाने के लिए। और वो नंबर जो मेरे पास आ रहा था वो आ रहा था यूपी साइड से, गाजियाबाद साइड से। ये मेरे को बाद में पता चला कि वो नोएडा साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, नोएडा और गाजियाबाद से ऑपरेट होता है ये नंबर। वो पहले एक नंबर से मेरे पास बात होती है, फिर दूसरे नंबर से मेरे से बात होती है, और सेम सेम उससे तरीके से बात हो रही है। तो मैं चाहता नहीं हूँ, आप लोग भी सेफ रहो, क्योंकि ये सबके साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ जो प्लांट्स का काम कर रहे हैं उनके साथ हो, ये सब क्या हो सकता है, जो बल्क में ऑर्डर उठाना चाहेगा उसको ही फंसा सकते हैं ये। क्योंकि आदमी को लगता है कि सामान तो उतना नहीं है, पैसे आएंगे तो सामान उतारेगा तो फंसने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपको फंसा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब क्या फैलाओ इस वीडियो को, ताकि कोई भी इनके झांसे में ना फंस सके। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर आपको थोड़ा भी लगे तो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कोशिश कर रहे हैं आपको हर चीज़ से बचाने की।